आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट फेरा एंड फेमा, विदेशी विनियोग का नियमन फेरा एवं फेमा क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मतलब इसकी डेफिनेशन, इसकी नीड क्यों हुई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं। फिर हम सेम फेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो किसके बारे में पढ़ेंगे, फेमा के बारे में। दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं हम वो भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि डेफिनेशन, द एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर और द कन्वर्सेशन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोल रहा है, पहले ही उसने बोला कि फेरा और फेमा जो दोनों ही हैं वो किसके अंदर आते हैं, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है। इसको बोलते ही है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रेगुलेशन किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है या कौन कौन से एक्ट जो है वो फॉलो करने होते हैं, कौन से, फेरा और फेमा, किसके लिए, फॉरेन किसके लिए, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड या फॉरेन एक्सचेंज के लिए। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स बेस्ड ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। भारत में सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि इसकी नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्यों रिक्वायरमेंट हुई फॉरेन एक्सचेंज की, उसके बाद हमें पता चलेगा कि फेमा और फेरा क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों हुई, मुझे विदेशी विनिमय की जरूरत क्यों हुई। अ टूरिस्ट अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि हम किस में वर्क कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन ही, ग्लोबलाइजेशन का एरा चल रहा है, हम क्या करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे क्या करते हैं व्यापार करते हैं। तो हमको क्या करना होता है, हमारे यहाँ हम भी बाहर जाते हैं और हमारे बाद कंट्री में भी दूसरी कंट्रीज से क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और फॉरेन कंपनीज भी आती हैं ट्रेड करने के लिए। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, उस करेंसी को जो हमारी करेंसी है और उनकी करेंसी, उनके रेगुलेशन से रिलेटेड क्या होने चाहिए, हमारे पास कुछ नियम कानून, कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। फिर आप किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, फेरा आया था। फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या बोल रहा है, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इनएक्टेड इन 1974। कब इनएक्ट हुआ था ये, कब लागू हुआ था, 1974 में, 1974 में। ये किस पे एम्फसाइज करता है, स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट बेसिस पे मुझे क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। क्या मतलब, देखो भारत में जब विनिमय नियंत्रण की नीति सर्वप्रथम 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका क्या किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था और तभी से लागू की गई थी। लेकिन प्रारंभ में विनिमय नियंत्रण भारत रक्षा नियम डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स के अंतर्गत लागू किया गया, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम, जब क्या हुआ, महायुद्ध या वर्ल्ड वॉर कंप्लीट खत्म हो गया, उसके बाद फिर कौन सा एक्ट आया, पहले भी था, हम पहले भी विनिमय को नियंत्रण नीति के अंतर्गत काम करते थे 1939 में, बट वो किसमें वर्क करता था, इन डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, वर्क करते थे। फिर आफ्टर एंड, जब एंड हो गया किसका, युद्ध की समाप्ति के बाद, हम किसका यूज करने लगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम में 1973 में व्यापक संशोधन किया गया और नया या विदेशी अधिनियम नियमन अधिनियम 1973 में लागू किया गया, परंतु अत्यंत कठोर कहा जाने वाला फेरा अब इतिहास की बात हो गई है। 31 मई 2002 में इस अधिनियम का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया, इसके तहत अब किसी के भी विरुद्ध मुकदमा नहीं किया जा सकेगा। देखो ये क्या बता रहा है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा है कि सबसे पहले जब हमारी कंट्री में या भारत में विनिमय नियंत्रण से संबंधित कार्य शुरू हुआ तो 1939 में डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। फिर 1947 में हमारा कौन आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया। लेकिन क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि फेरा एम्फसाइज्ड स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल, इतना होने के बावजूद भी इसको हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमको सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी,
सिर्फ रेगुलेशन नहीं करना है मुझे, बाकी चीजों को भी डिसाइड करना है। इसीलिए इस एक्ट में बहुत सारी क्या थी, कमियां थी, उनको हमने कहिए सिर्फ स्ट्रिक्ट कंट्रोल की तरफ ध्यान देता था। तो फिर उसके बाद 1973 में बोलना चाहिए, क्या बोल रहा है कि 1973 में कौन सा आया, फिर फेमा, फेमा आया, और अब फेरा क्या बन के रह गया है, सिर्फ हिस्ट्री बन के रह गया है। फिर क्या बोल रहा है कि लॉ वायलेटर्स वर ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंडर्स रिपील इन 1990 बाय द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सिर्फ रेगुलेट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज, टू रेगुलेट ट्रांजेक्शन इनडायरेक्टली अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज। सिर्फ क्या करता था, किसको नियंत्रण करता था, विदेशी विनिमय को और प्रतिभूतियों को, उन्हीं के विनिमय का काम कर, उन्हीं के क्या बोलना चाहिए, कंट्रोल का काम करता था, उन्हीं के रेगुलेशन का काम करता था। इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट करता था, इसका रेगुलेशन, जो इसके रेगुलेट ट्रांजेक्शंस होते थे वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट करते थे, फॉरेन एक्सचेंज को। टू रेगुलेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, क्योंकि ये बनाया ही गया था इंटरनेशनली, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेन ट्रेडिंग के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो किसको रेगुलेट करता था, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी को। टू रेगुलेट फॉरेन बिजनेस इन इंडिया, किस क्या बोल रहा है, नियंत्रित करता था आयात निर्यात, किसका, करेंसी का, मुद्रा का। टू रेगुलेट फॉरेन बिजनेस इन इंडिया, जो विदेशी व्यापार था इंडिया में उसको क्या करता था, नियमन करता था या उसको रेगुलेट करता था। टू मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो क्या कर सके, सही तरीके से यूज कर सके फॉरेन एक्सचेंज को। ये किसके ऑब्जेक्टिव थे, फेरा के। इसकी जरूरत क्यों हुई, हमने देखा लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स इज अ स्केयर कमोडिटी। फिर फेरा प्रिमरली प्रोहिबिट ऑल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट वंस प्रिमरली बाय आरबीआई। इसके बारे में हमको उतना ज्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको मेनली क्या है, फेमा के बारे में पढ़ना है। नीड कब पड़ी इसकी, आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन देयर वाज नीड टू रिमूव। वो क्या बोल रहा है, हमने क्या देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट लगी, लेकिन जब हम लिबरलाइजेशन और हम किसकी तरफ बढ़े, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, लिबरलाइजेशन के बाद इसकी रिक्वायरमेंट हुई और ग्लोबलाइजेशन के बाद फिर फेमा बना। अब फेमा क्या होता है, फेरा को ही रिप्लेस करके जो नया एक्ट बनाया गया है वही फेमा है, ठीक है ना, अलग कुछ नहीं है। इसलिए फेरा और फेमा को एक साथ पढ़ते हैं, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। फेरा जो है अब वो क्या बन के रह गया, हिस्ट्री, वो भी वही काम करता, बट वो सिर्फ क्या करता था, उस एक्ट का ही नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम। और अब फेमा का नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम। क्योंकि हमको जब भी हम एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बोलना चाहिए, या विदेशी विनिमय करते हैं, हम कुछ निवेश करते हैं, तो हमें किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, प्रबंध की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हमने उसको रिप्लेस करके नया एक्ट बना लिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम बोलते हैं विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ये कब आया, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और इन शॉर्ट फेमा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, है ना, उसके किसके बदले में, रिप्लेसमेंट के बदले में, उसकी जगह में ये आ गया। फेमा कब फोर्स में आया, 2000 में, फर्स्ट डे ऑफ जून 2000, 2000 में जून की फर्स्ट डेट को ये फोर्स में आ गया था, मतलब तब से ये लागू होने लगा था। 1993 में देश की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण फेरा की उपयोगिता क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। प्रमुख परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था में परिलक्षित है, विदेशी विनिमय संसाधनों में वृद्धि, विदेशी व्यापार में वृद्धि, प्रशुल्क में परिवर्तन, चालू खातों में परिवर्तनशीलता, विदेशी व्यापार होने वाले, विदेशों में होने वाले भारतीय विनियोग का उदारीकरण, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों को वाणिज्य ऋण, कमर्शियल बोरोइंग्स की प्राप्ति, विदेशी संस्थागत विनियोजकों द्वारा अंश में भागीदारी, इन सब परिवर्तनों के कारण सरकार ने 27 वर्ष पुराने 1973 से प्रभावी मुद्रा नियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर 1 जून 2000 में एक नया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
फेमा अधिनियम लागू किया। क्यों किया? पहले सिर्फ वो क्या करता था, सिर्फ नियंत्रण का काम करता था, लेकिन जब कंडीशंस चेंज हुई, हमारा लिबरलाइजेशन आया, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, तो हमने क्या देखा कि काफी सारी चीजें थी जो रेगुलेशन से हटके थी, जैसे कि विदेशी विनिमय संसाधनों में वृद्धि हुई, रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, ट्रेड में इंक्रीमेंट हुआ, अगर मुझे उससे रिलेटेड कुछ चार्जेस में चेंज करना है, करंट जो अकाउंट्स हैं उनमें अगर चेंजेस करना है, और जो कंपनीज हैं बोरो करने वाली, बोल रहे कमर्शियल बोरोइंग जो है उन सब में करना है, तो इसलिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगी, सिर्फ रेगुलेशन की नहीं, मुझे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट लगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को रिप्लेस करके इसके प्लेस पे 1 जून 2000 को कौन सा एक्ट लगा दिया, 1999 में लागू किया गया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया, 1 जून 2000 को। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। भारत में विदेशी पूंजी की प्रवृत्ति का नियमन करना, टू प्रमोट ऑफ एन ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। भारत में विदेशियों को रोजगार का नियमन कराना, विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, विदेशों से होने वाले भुगतानों का भी क्या करना, नियमन करना, भारत में विदेशी विनिमय बाजार को सुदृढ़ और विकसित बनाए रखना, भुगतान संतुलन को दूर करने में सहायता करना, आर्थिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की पूंजी बनाए रखने में सहायता प्रदान करना, अनिवासी भारतीयों के भारत में रोजगार, व्यवसाय, विनियोजन, पेशा आदि का नियमन करना, विदेशी बिलों में होने वाली हेराफेरी को रोकना, विदेशों के विनिमय संसाधनों पर अनुरक्षण करना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना, देश की आवश्यकताओं के अनुकूल विदेशी विनिमय के संशोधन सुझाना आदि। क्या बोल रहा है, फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को, प्रमोट करता है ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, रेगुलेट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया टू रिमूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हटाने के लिए उसका एक ऑब्जेक्टिव है, टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फिर ये बता रहा है द फेमा इज एप्लीकेबल, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। जनरली जब भी आप कोई एक्ट लिखते हैं तो आपको 3-4 चीजें बतानी होती हैं कि इस एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है, इसका ब्रांच कहाँ है, कहाँ से कंट्रोल होता है। तो क्या बोल रहा है कि जो फेमा है वो द होल टू द होल ऑफ इंडिया, बहुत 90% एक्ट क्या होते हैं इंडिया में, होल इंडिया में अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ एक्ट जो होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते। तो हमको हमेशा ध्यान देना है कि कौन सा एक्ट कहाँ लागू होता है, कहाँ उसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो क्या बोल रहा है, ये कहाँ है इसकी एप्लीकेबिलिटी, पूरी इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी। एनी ब्रांच ऑफिस एंड एजेंसी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट इज ऑन और कंट्रोल बाय आर पर्सन रेसिडेंशियल इन इंडिया। ब्रॉडली स्पीकिंग फेमा कवर्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी एंड डील्स डिफरेंट विद देम। दीज कैटेगरीज आर, इनकी बात कर रहा है कि इसको क्या क्या कवर होता है, पर्सन रेसिडेंस इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, विदेशी विनिमय की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड नियमन की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रबंध की या उससे रिलेटेड रेगुलेशन या मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन उसने लिया है, एक पर्सन जो इंडिया में रहता है और जो इंडिया से बाहर भी रहता है। पहले हम क्या देख लेते हैं इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी हमने समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। ये जो है फेमा जो है, फेमा किससे ज्यादा अच्छा है बोलना चाहिए, इसमें जो वर्किंग प्रोसेस है वो फेरा से ज्यादा अच्छी है। भारत में रह चुका कोई व्यक्ति भारत के बाहर का निवासी हो जाने पर भी उन शेयरों, प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों को धारण कर सकेगा जो उसने भारत के प्रवास के दौरान धारण की थी। ये क्या है, इसकी एक विशेषता है। फेरा कैसा था, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्या करता था, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाता था। फेमा में क्या है, फेरा से अलग हटकर अन्य प्रमुख परिवर्तन जो फेमा में किया गया है वह यह है कि फेरा के तहत
जहां सिद्ध करने का दायित्व आरोपी का था, वहीं फेरा के तहत यह दायित्व अब परिवर्तन एजेंसी का होगा। क्या बोला है कि फेरा में अगर कोई क्या करता है, कंप्लेन करता है, तो किसका काम था कि वो पर्सन ही उसको प्रूफ करे, लेकिन अब फेमा में क्या होता है, वो एजेंसी वर्क करती है। मैनेजमेंट एक्ट बनाया ही इसीलिए गया मेनली कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ग्रीवियंस हैंडलिंग की भी एक क्या रहेगी, फैसिलिटी रहेगी। और उसमें सिर्फ क्या होता था, रेगुलेशन होता था। इसमें क्या कर सकते हैं हम, हेरा फेरी हो रही है तो उसको भी रोक सकते हैं, मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट के लिए भी वर्क कर रहा है, हमने देखा इसका ऑब्जेक्टिव है, स्टेबिलिटी लाना चाहता है विदेशी विनिमय दर में, रेट ऑफ स्टेबिलिटी, उसके जो भी सेल और बाय हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन पे भी क्या करता है, वो फोकस करता है। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। ये बता रहा है कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है। हमेशा याद रखना, आप एक्ट पढ़ रहे होंगे, BRF में मैम ने बताया होगा कि जब भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो सेक्शन 2 में ही आती है। ये सेक्शन लिखे हुए हैं, सबसे पहले सेक्शन 1 में क्या आएगा कि एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है, उसका एप्लीकेशन और उसका कमर्समेंट कब हुआ था। इसका कब हुआ था, जून 1999 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ था, 1 जून 2000। इसकी डेफिनेशन किसके अंदर आएंगी, सेक्शन 2 के अंदर आएंगी। फिर इसमें कौन कौन से प्रोविजन हुए और इस किन प्रोविजन में क्या क्या, तो हमको दिखा रहा है कि कौन कौन से प्रोविजन किस किस सेक्शन के अंदर आते हैं। सेक्शन 329 में क्या आता है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 10-12 में क्या आता है, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑथराइज्ड पर्सन, कौन ऑथराइज्ड पर्सन होता है। फिर 13-14 इसको अधिकृत व्यक्ति बोलते हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनाल्टीज। मैंने बोला कि रेगुलेशन एक्ट में क्या होता था, इसमें तो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। फिर 16-38 में प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन एंड अपील एंड डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। फिर मिसलेनियस प्रोविजन किसमें है, 39-49 में, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिनको कोई कैटेगरी हम नहीं दे पाते अलग अलग, तो उसको हम किस में डाल देते हैं, मिसलेनियस में डाल देते हैं, अतिरिक्त में डाल देते हैं। मेन प्रोविजंस कौन कौन से हैं फेरा में और फेमा में, ये तो फेरा वर्सेस फेमा बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं मेन प्रोविजंस क्या हैं, क्या बोलते हैं, जिसको अधिनियम के प्रमुख प्रावधान या मेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आपको सिर्फ दो ही चीजें पूछ रहे हैं, जब आपसे पूछेगा कि क्या होता है फेमा या फेरा, तो आपको सिर्फ क्या बताना है, उसका एप्लीकेबिलिटी, उसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, वो उसके नॉर्मल आ जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है कोई भी क्वेश्चन, वो आपको देना ही है। और सबसे पहले फेमा पूछेगा तो आपको फेरा बताना है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, फेरा से हुआ है ना, पहले फेरा था फिर फेमा है। अब उसके प्रावधान या प्रोविजन देख लेते हैं कि क्या क्या इसके प्रोविजन या प्रावधान है। मेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम में कुल 49 धाराएं हैं, जैसे हमने अभी देखा कि इसमें टोटल कितनी सेक्शन है, 1 से लेके 49 तक, सिर्फ 49 धाराएं ही हैं। विदेशी विनिमय नियमन प्रबंध संबंधी बहुत क्या है, प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान क्या है, विदेशी विनिमय आदि में लेन देन करने पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग इज फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा। क्या क्या है, जब तक कि अधिनियम नियमों तथा नियमनों के विरुद्ध कोई बात ना हो अथवा रिजर्व बैंक की सामान्य विदेशी अनुमति के बिना कोई व्यक्ति निम्न लेन देन नहीं करेगा। कौन कौन से नहीं करेगा, विदेशी विनिमय अथवा विदेशी प्रतिभूति में लेन देन अथवा हस्तांतरण अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। देखो जिसमें बता रहा है कि सेक्शन 10-12 में बता रहा है कि किससे रिलेटेड, ऑथराइज पर्सन के बारे में बता रहा। अभी हम पढ़ेंगे ऑथराइज पर्सन क्या होता है तो भी क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ऑथराइज, अधिकृत व्यक्ति कौन होता है। भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को किसी भी रूप से भुगतान अथवा साख की साख प्रदान नहीं की जाएगी, वो क्रेडिट नहीं देगा उसको। अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को आदेश अथवा भारत के निवासी किसी व्यक्ति की ओर से किसी धनराशि को प्राप्त या भुगतान नहीं किया जा सकता। मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं कि जो भी लेन देन करना है वो किसके थ्रू होगा, ऑथराइज पर्सन के थ्रू होगा, उसके अतिरिक्त किसी के नहीं होगा। और जो क्रेडिट है और जो पेमेंट है वो किसको की जाएगी, जो इंडिया का रेसिडेंशियल पर्सन होगा। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, ये तो हमारा क्या था पहले,
विदेशी विनिमय आदि में लेन देन करने पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड है विदेशी विनिमय आदि को रखने पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब तक कि इस अधिनियम में इसके प्रतिकूल कोई प्रावधान ना हो, भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति विदेशी विनिमय, विदेशी प्रतिभूति अथवा विदेश के बाहर स्थित चल अचल संपत्ति को प्राप्त, रोक, ग्रहण अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकता, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर एक हमने देखा इसमें क्या बता रहा है कि ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तीसरा प्रोविजन है चालू खाता सौदा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। यदि कोई भी व्यक्ति चालू खाता सौदे से संबंधित विदेशी विनिमय किसी अधिकृत व्यक्ति को अथवा उसको बेच सकता है अथवा ड्रॉ कर सकता है, किंतु केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में एवं रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस संबंध में उचित प्रतिबंध लगा सकती, वो कर सकता है, लेकिन अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई क्या कर सकती है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्रतिबंध और रोक लगाए जा सकते हैं। वो जनरली कर सकता है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो क्या करता रहता है, सारी चीजों पर नजर अपनी रखना है, सबको नियंत्रण करना चाहता है, उसका काम ही है कि क्रय विक्रय जो भी सेल और बाय होता है उस पर ध्यान देना। फिर एक प्रोविजन होता है माल एवं सेवा निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक हमने कितने प्रोविजन देखे, देखो आपको 6 ही प्रोविजन है, ज्यादा नहीं है, इन 6-7 प्रोविजन इनको याद रखना है, क्योंकि आपको ये आपके उसमें यही पूछेगा आपसे क्या प्रोविजन है इस यूनिट में, तो आपको बताना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि फेरा क्या होता है, फेरा के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर फेमा कहाँ से आया, फेरा की वजह से आया, उसकी नीड क्यों थी, क्योंकि उसमें फेरा में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद फेमा के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, उसके ये डिस्क्रिप्शन बता सकते हो आप कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें क्या क्या प्रोविजन हैं। तो इसमें बेसिकली सिर्फ 7 प्रोविजन हैं, जिसमें फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज, रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, फिर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल एवं अथवा सेवा निर्यात, माल का निर्यात करने वाला प्रत्येक निर्यातक, निर्यातक मतलब कि एक्सपोर्टर को क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, वो प्रोविजन के बारे में बताएगा। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर पे विदेशी विनिमय की वसूली एवं वापसी, रियलाइजेशन एंड रिप्यूटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर उसके बाद एग्जम्पशन फॉर रियलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, कुछ मामलों में वापसी अथवा वापसी से वसूली अथवा वापसी से छूट। ये तो ना अलग चीज है 7 नंबर वाला, मेन प्रोविजन जो है वो आपके कितने हैं, 6 हैं, और इन 6 को आपको लिखना है और आपको बताना है कि जो फेमा है उसमें बेसिकली सिर्फ कितने सेक्शंस हैं, कितनी धाराएं लगाई जा रही हैं, 1 से लेके 49 तक। क्लियर है? अब ऑथराइज पर्सन कौन होता है ये समझ लेते हैं, ये पूछता नहीं है, ये आपको अपने मन से बताना है, क्योंकि आपको समझने में आना चाहिए ना कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि अधिकृत व्यक्ति को ही दिया जाएगा, अधिकृत व्यक्ति ही कर सकता है, तो ये अधिकृत व्यक्ति या ऑथराइज पर्सन कौन होता है। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त, सबसे पहले बता रहे हैं कि आवेदन करने पर रिजर्व बैंक किसी भी व्यक्ति को विदेशी विनिमय अथवा विदेशी प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए अधिकृत कर सकती है, ऐसा व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति कहलाएगा, जो एप्लीकेशन देगा और बैंक उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी और अपने साइड से उसको क्या कर देती है, बोल देती है कि ही इज अ ऑथराइज पर्सन। वो कौन हो जाएगा, ऑथराइज पर्सन हो जाएगा। वो क्या कर सकता है, अब जो भी फॉरेन एक्सचेंज से, फॉरेन एक्सचेंज में जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहता है वो कर सकता है। क्लियर है? घोषित किया जाता है एक प्रकार से करना चाहिए, तो वो कौन हो जाता है, अधिकृत व्यक्ति हो जाता है। क्लियर हुआ क्या होता है फेमा और फेरा? यस मैम। इसके अलावा अगर आप चाहो तो क्या बता सकते हो कि कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनाल्टीज, उल्लंघन एवं दंड, अगर हमने कुछ गलत किया तो क्या होगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, पेनाल्टीज पे करनी पड़ सकती है, वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि जब भी कोई रूल को जो भी एक्ट होता है उस एक्ट को क्या नहीं करेगा, उसमें जो जो
रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, प्रोविजंस दिए हैं, उनको फॉलो नहीं करेगा, उनका उल्लंघन करेगा, तो ऑब्वियस बात है उसको क्या करना पड़ेगा, दंड दंड मिलेगा, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला इसमें आएगा आर्थिक दंड का भागी होना। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधान, नियम, नियमन, नियमन, अधिसूचना, निर्देश तथा आदेश का उल्लंघन करता है अथवा किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे उल्लंघन में मात्रात्मक धनराशि के 3 गुने के आर्थिक दंड का भागी हो जाता है। यदि मात्रात्मक धनराशि का उल्लेख ना किया गया हो तो उसे 2 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड का भागी होता है। यदि इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहता है तो वह 5,000 रुपए के प्रतिदिन के दंड से आर्थिक दंड का भागी होगा। जो उसने रूल को क्या किया है, ब्रेक किया है या तोड़ा है या उल्लंघन किया है, अगर उसका प्राइस कुछ है, डिसाइडेड है उसकी क्वांटिटी, तो उसका कितना, 3 गुना, 3 टाइम्स उसको पे करना। और अगर कोई ऐसा रूल ब्रेक किया है जिसमें प्राइस की नहीं बात हो रही है, तो उसको 2 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे। फिर भी वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, वो करते ही जा रहा है उल्लंघन, तो उसको क्या करना, फिर उसको क्या होगा, 5,000 रुपीज पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। या तो क्या कर सकती है जो गवर्नमेंट है, मुद्रा, प्रतिभूति अथवा अन्य संपत्ति को जब्त किया जाना। अगर वो उल्लंघन करेगा तो उसकी संपत्ति को भी जब्त कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, नागरिक का कारावास का भागी होना, ये सब भी हो सकता है। क्लियर है? यस मैम। बेसिकली हमको जब भी आपसे पूछेगा तो आपको क्या पूछेगा कि फेमा और के बारे में उसके मेन प्रोविजंस बताने हैं। तो आपको पहले स्टार्ट करना है फेरा से, कि व्हाट इज फेरा। तो आपको बताना है कि विदेशी विनिमय के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए क्या बनाए गए, रेगुलेशन के लिए एक्ट बनाए गए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार कौन सा एक्ट बना, फेरा बना, फेरा में क्या था, वो सिर्फ क्या करता था, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था, सिर्फ रेगुलेट करता था। अब जब लिबरलाइजेशन के बाद उसको फॉलो किया, लेकिन अब कंडीशंस क्या हो गई, टाइम टू टाइम चेंज हो गई, तो सिर्फ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमको ट्रेड को डेवलप करना था, प्राइस को स्टेबल रखना था, हमको क्या करना है, अपना एक प्लेस बनाना है, अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, बोलना है, तो उसके लिए मुझे क्या हुई, फेमा की रिक्वायरमेंट हुई। फिर फेमा कब स्टेब्लिश हुआ, उसके बाद उसको कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, उसमें 49 एक्ट्स होते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके क्या क्या प्रोविजन है, आपको बेसिकली सिर्फ इतना ही बताना है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड है और लिमिटेड ही बताना है, जस्ट बिकॉज ये एक्ट है। क्लियर है? यस मैम।